आखिरी वाला है संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले बात तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि संबंध सूचक है या संबंध बोधक अव्यय है, तो इसके दोनों नाम हैं। आप इसे संबंध सूचक भी कह सकते हैं और संबंध बोधक अव्यय भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय होता क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, करामत अली उसके पास से उठकर चला गया। इस वाक्य में करामत अली जो है यह संज्ञा है, संज्ञा यानी के नाउन और सर्वनाम यानी के प्रोनाउन। तो करामत अली यह संज्ञा है, नाउन है, इसका संबंध यहाँ पर चला गया या जो भी व्यक्ति है उसके पास से उठकर चला गया, इस प्रकार से दर्शाया है। दूसरा वाक्य है, माता पिता का प्रेम बयास से परे है। तो बयास से परे, तो से परे यह जो शब्द है वो संबंध सूचक अव्यय है। जो माता पिता का संबंध है, यानी कि माता पिता की संज्ञा है, इसका संबंध दूसरे शब्दों से दर्शाने का काम कर रहा है। और तीसरा वाक्य है, रिया फूलों की भांति सुंदर दिखती है। की भांति या की तरह से ऐसा भी हम बोल सकते हैं, रिया फूलों की भांति या रिया फूलों की तरह सुंदर दिखती है। तो रिया यहाँ पर संज्ञा है और इसका संबंध, संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से यानी सुंदर दिखती है शब्दों से यहाँ पर। चलो आगे के उदाहरण देखते हैं। घर के सामने बगीचा बना है। हाँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय आया है? संबंध सूचक अव्यय। दिखाओ संबंध सूचक अव्यय के सामने। हाँ, क्यों? कि घर इस संज्ञा का संबंध जो है के सामने, यह शब्द दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहा है। दूसरा वाक्य, मैं माँ के साथ बाजार जाऊंगा। हाँ, इसमें आएगा के सामने। हाँ, क्योंकि माँ इस संज्ञा का संबंध है के साथ, यह शब्द, यह संबंध सूचक अव्यय दूसरों शब्दों के साथ जोड़ रहा है। और तीसरा वाक्य, वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। हाँ, इस वाक्य में की ओर। चलो, ये तीनों को किसके उदाहरण थे? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय।